हेलो फ्राइड वेलकम टू मिडल रो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आई नो आज की वीडियो वाइट मोड में होने वाली थी बट ड्यू टू सम आई एम आउट ऑफ स्टेशन सो या वी विल कंटिन्यू ओवर योर सो आज का टॉपिक जो है बहुत ही आसान होने वाला है आज के टॉपिक के बारे में फर्स्ट चैप्टर से पढ़ा रही हूँ की फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं केमिकल चेंजेस क्या होते हैं फर्स्ट चैप्टर में हमने फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा था सेकेंड चैप्टर में हमने केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा है तो अब अब दोनों को समअप करके देखने वाले हैं कि आखिर फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं तो चलो यार बिना किसी देरी के फिर शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास आज हम पढ़ने वाले हैं क्या टॉपिक है हमारा आज का टॉपिक हो गया फ़िज़िकल फ़िज़िकल और केमिकल चेंजेस फ़िज़िकल और केमिकल चेंजेस राइट फ़िज़िकल और केमिकल चेंजेस तो एक बात बताओ फ़िज़िकल चेंजेस में क्या आ जाता है फ़िज़िकल चेंजेस में हमारा आ गया कि वो उस चीज़ का शेप क्या है कलर क्या है टेक्स्चर क्या है वो हो गया हमारा फिज़िकल चेंज ठीक है और केमिकल चेंज क्या हो जाएगा केमिकल चेंज हमारा हो जाएगा उसकी कंपोजिशन क्या है उसकी कम्पोजिशन क्या है वो हो जाएगा हमारा केमिकल चेंज अब केमिकल चेंज और फ़िज़िकल चेंज का एग्जांपल लेते हैं सबसे आसान एग्जांपल एच टू वो यानी कि हमारा पानी पानी के अगर हमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ बोलनी पड़े फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ अगर पानी की हमें बोलनी पड़े तो हम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि ये वो कलरलेस होता है पहली बात कलरलेस होता है टेस्टलेस होता है मतलब तो पानी का कोई टेस्ट नहीं होता ना वैसे कलरलेस होता है टेस्टलेस होता है और क्या बोलेंगे हम लोग और बोल सकते हैं और क्या वो लिक्विड स्टेट में ये बोल सकते हैं हम लोग तो ये सारी क्या हो गई ये पानी की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई तब तो पानी की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी पानी की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी पानी की केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये होगी कि वो H और O2 के ओ एच और ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है किससे बना हुआ है पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है पानी किसका एग्जाम्पल है पानी एलिमेंट का एग्जाम्पल है पानी किसका एग्जाम्पल है पानी एलिमेंट का एग्जाम्पल है तो वो H और O2 से बना हुआ है ये हो गया पानी का केमिकल प्रॉपर्टी या एच की कितनी परसेंटेज है एच में और ओ के कितनी परसेंटेज है एच में वो क्या हो गया हमारा पानी का प्रॉपर्टी हो गया कौन सा प्रॉपर्टी वो हो गया हमारे पानी का केमिकल प्रॉपर्टी ठीक है अच्छा एक बात बताओ अब अगर मैं पानी को अगर मैं पानी को ड्राई आइस में चेंज सॉरी पानी को अगर मैं आइस में चेंज कर दूं यानी कि अगर वाटर को मैंने कर दिया चेंज और वाटर को आइस में कैसे चेंज किया मैंने वाटर कौन से फॉर्म में था वाटर लिक्विड फॉर्म में था उसको मैंने कौन से फॉर्म में चेंज किया सॉलिड फॉर्म में चेंज किया तो कैसे करेंगे वाटर को अगर सॉलिड फॉर्म में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा टेम्परेचर कम करना पड़ेगा टेम्परेचर कम करना पड़ेगा ठीक है टेम्परेचर कम करके अगर मैंने पानी को आइस में चेंज कर दिया तो ये फिजिकल चेंज है फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है देखो मैंने पानी को आइस में बदल दिया वाटर को मैंने आइस में चेंज कर दिया तो हमारा फिजिकल चेंज हुआ कि केमिकल चेंज हुआ सोच के बताना क्वेश्चन को जी हाँ वो हमारा क्या हुआ फिजिकल चेंज हुआ फिजिकल चेंज क्यों हुआ क्योंकि वो वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो एच टू ओ है और आइस का भी जो केमिकल फॉर्मूला है वो एच टू ओ ही है उसके कंपोजिशन में कोई डिफरेंस नहीं आया उसको बस उसका बस टेक्सचर चेंज हुआ और ऐसा बोल सकते उसका बस स्टेट चेंज हुआ और जो चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है चेंज ऑफ स्टेट फिजिकल चेंज होता है केमिकल चेंज नहीं होता है स्टेट ऑफ चेंज राइट स्टेट ऑफ चेंज इज ऑलवेज

तो यहां तक समझ गए अब एक समझ गए कि वाटर को हमने आए समय चेंज किया स्टेट चेंज किया लेकिन उसको हम फिजिकल चेंज बोलेंगे केमिकल चेंज नहीं बोलेंगे अब हमने एक एग्जाम्पल ले लिया अब हमने एक एग्जाम्पल ले लिया वॉटर एंड ऑयल का राइट right. वाटर एंड ऑयल का हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया अब देखो दोनों में दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टीज काफी सेम सेम है है दोनों के फिजिकल देखो कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है दोनों ही लिक्विड है क्या है दोनों ही लिक्विड है ठीक है दोनों ही क्या है हमारे दोनों ही हमारा लिक्विड है पर क्या पानी और ऑयल सेम है क्या दोनों मैटर सेम है नहीं है दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी मैच कर रही है दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी कह रही है कि दोनों लिक्विड है लेकिन क्या क्या दोनों सेम हो गए दोनों मैटर हमारे सेम हो गए जी नहीं दोनों मैटर हमारे सेम नहीं है दोनों मैटर हमारे सेम क्यों नहीं है दोनों मैटर हमारे सेम इसलिए नहीं है क्योंकि उनके जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो भाई साहब डिफर कर रही है केमिकल प्रॉपर्टी उनकी कैसे डिफर कर रही है केमिकल प्रॉपर्टी उनकी कैसे डिफर कर रही है केमिकल प्रॉपर्टी उनकी देखो उनका जो कंबशन होता है ना कंबशन रेट होता है वो डिफर कर रहा है उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफर कर रहा है तो ये जो सारी चीजें हैं ना ये काफी चीजें जो है उसमें डिफर हो रही है ठीक है तो ये रीजन है कि हमारे जो आ, ऑयल है और वाटर है दो वो दोनों लिक्विड फेज में है तो की फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ सेम है लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कभी सेम नहीं हो सकती है राइट right? उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कभी सेम नहीं हो सकती है तो इसीलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वाटर और तेल जो है हमारा सेम है वो नहीं होता है सेम क्योंकि तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफर करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गए उनका कम्बेशन रेट हो गया या कम्बेशन पॉइंट हो गया इग्नाइट पॉइंट हो गया ये सारी चीजें जो है ना ऑयल uh, और वाटर की डिफर करती है तो आई होप आपको आज का जो चैप्टर है वो समझ मतलब तो आज का जो टॉपिक था वो समझ आ गया होगा कुछ नहीं था पांच मिनट का टॉपिक था बस ये बताना था कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को आप अच्छे तरह से समझें अलग अलग क्वेश्चंस देखें उसके ऊपर और यार एक चीज मैं बोलना चाहूंगी इसके बाद हमारा कौन सा एक और टॉपिक बचा हुआ है लास्ट टॉपिक है हमारा प्योर एलिमेंट्स के ऊपर

वन शॉट वीडियो निकालो वो भी एक घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाएगा ठीक है वन शॉट वीडियो से सिर्फ आपके रिविजन के लिए आप पूरा प्ले फॉलो करें एनसीआर टी पढ़े और उसके बाद जैसे अभी दो चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो अगर थर्ड चैप्टर में जाएंगे तो हो सकता है तब आपको टेंडेंसी आ जाएगी फर्स्ट चैप्टर फिर से भूल जाए क्योंकि रिविजन बहुत लोग नहीं करते हैं ठीक है थेके? मैं भी नहीं करती थी रिविजन तो रिविजन ऐसी चीजें छूट जाती है तो ये मेरा कहीं ना कहीं फर्ज बनता है कि आपकी रिविजन भी चलती रहे साथ में कोर्स के साथ तो पहले हम सेकेंड चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और सेकेंड चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम फिर फर्स्ट uh, चैप्टर का वन शॉट और सेकेंड चैप्टर का वन शॉट शुरू कर देंगे ठीक है तो चलो यार uh, इस वीडियो के लिए इतना ही था मिलता तुम फिर नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय टेक केयर